जय तुलसी राम, मैं नासिक से किरण प्रकाश वाटारे आपको अभी एनडीएस साधक आपके सामने बैठे हैं, वो उनका डायबिटीज़ का अनुभव बताएंगे। आपका नाम? वैसल वर्मा जी रोकने। आप कहाँ जॉब करते हो? एयरपोर्ट स्टेशन देवराली साउथ। अच्छा, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थे? मुझे सबसे पहले शुगर बहुत था, कम से कम 10-12-13 साल से। अभी मुझे डॉक्टरों ने इंसुलिन स्टार्ट किया था। अच्छा, कम से कम 2 साल इंसुलिन लिया मैं। अच्छा, कितना यूनिट? यूनिट था मेरा 24 यूनिट था। अच्छा, तो दवा गोली इंसुलिन से चालू था सब, लेकिन मेरा वजन बढ़ गया, चलने के समय दोनों जो मांडे रहते एक दूसरे को घसती थी, इतना वजन बढ़ गया था। अच्छा, एक शरीर भी बहुत फूल गया था। अच्छा, चलने के समय दम लग, मतलब ऐसे सांस फूलना। हाँ, और जल्दी जल्दी चलने की, अगर चलूँगा ऑफिस के अंदर किसी काम की वजह से, तो जो इधर पाँव में क्या ऐसा दर्द होता, दर्द मतलब ऐसे कि जैसे वो नीचे से ऊपर ऐसे खींचा जाता था। अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नसों के अंदर बहुत बहुत रग हमारा टीम उसको रग बोलते हैं, रग लगती थी। तो अभी जब ये किसी दोस्त ने मुझे बताने के बाद मैं यहाँ आया, सर से पूरा मतलब इंफॉर्मेशन मालूम किया, और मुझे बहुत जरूरी थी। इसके पहले मैं बहुत सारा आयुर्वेदिक वगैरह बहुत सारा किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं था। 1-2 महीना फर्क पड़ता था, शुगर थोड़ा लो होती थी, बाद में वही चालू रहता था। लेकिन जब ये सिस्टम स्टार्ट किया मैंने, इसमें मतलब ये करके कि भाई खाना पीना जो बोला वैसी करना है, तो फिर करने के बाद में तो तीसरे दिन से मेरा ग्लूकोमीटर में चेक किया, 120 हो गया शुगर। तो मैं डर लग रहा था, 120 हो गया तो शुगर लेना जरूरी नहीं है, अब ना इंसुलिन। तो फिर तब से मैं इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब बंद करते करते अभी तो पूरा ही बंद है, 5-6 महीना हो गया पूरा बंद है। अच्छा, 5-6 महीने से आपने इंसुलिन लिया ही नहीं? एक भी नहीं भाई, एक बार भी नहीं। और शुगर की दवा भी खाना छोड़। अच्छा, गोली भी बंद, इंसुलिन भी बंद। अच्छा, और जो दर्द होता था उसका क्या? दर्द वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करता हूँ। वजन मेरा 87 था, अभी मेरा 69 के अंदर ही रहता है अभी। कुछ आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल हल्का फुल्का ऐसा लग रहा है, 25-26 साल में जैसे जवान था वैसा, खाना भी उस तरह से खाता हूँ और वैसे महसूस होता है ऐसा। अच्छा, मतलब बूढ़ा भी जैसा कुछ महसूस नहीं होता। अच्छा, मतलब एनडीएस से आपको बहुत सारा फायदा हुआ? मेरे साथ में दो जितने भी लोग हैं उनको भी बताता हूँ, उनको भी यहाँ साहब के पास सर के पास लेके आता हूँ, फिर उनको वो लोग उनको बताते हैं। वो काफी लोग मतलब मेरे वैसे 8-10 लोग मतलब जुड़ चुके हैं। हाँ, उन्होंने भी काफी कितने लोगों को पता रहेगा वो पता नहीं है, लेकिन सबको फायदा हो, एक भी ऐसा नहीं है कि जो बिना फायदा हो। लेकिन इसमें क्या है, हमने अपने दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल रखना है, जबान पे भी कंट्रोल रखना है, मन के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। बराबर बराबर बराबर, ये जो मतलब दृढ़ निश्चय से जो करेंगे तो 100% फायदा तीसरे चौथी दिन से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और मेन तो वही है, जो हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है वो जैसे जैसे निकलेगी वैसे वैसे हमें फायदा चालू हो जाता है। और जो लोग 40-45-50 के बाद में जो प्रॉब्लम लेके शुरू हो जाते हैं ना, उन्होंने ये तो करना बहुत जरूरी, जितना करेंगे और इसको, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना है। अच्छा, तो कुछ दिन चालू रखोगे बाद में बंद करोगे फिर वापस वो पुरानी बीमारी वापस वो अपने को घेर लेगी। जैसे गोली खाते हैं दवा, तो वो तो पूरे जिंदगी भर खाते हैं, तो ये भी सिस्टम है। इस सिस्टम से चलेगा तो दवा गोली की जरूरत नहीं, सारी जिंदगी तो हम खाते आए। अभी बाद में थोड़ा परहेज पकड़ने में क्या प्रॉब्लम होता है, जिंदा रहने तो थोड़ा बहुत परहेज पकड़ना चाहिए। तो डॉक्टर लोग बोलते ये मत खा वो मत खा, वो सभी हम सब छोड़ देते हैं, ये क्यों डॉक्टर ने बोला है, क्यों ये डॉक्टर ने बोला है। अभी हमने अपना मन का डॉक्टर बन के हम खुद ही अपने आप से अगर अपने आप को ठीक तरीके से मेंटेन करेंगे तो कंटिन्यू अच्छा रह सकते ना। आपने एनिमा किया, उपवास किया? हाँ, अभी भी मैं करता हूँ। अगर किसी कारणवश वापिस सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ता है तो शाम को आके कर लेता हूँ। हाँ, नहीं जमा तो एक दो दिन अगर नहीं किया तो तीसरे चौथे दिन कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। मतलब एनिमा किया, उपवास किया, उपवास किया, रसाहार किया, तो उपवास में आपको कोई थकान महसूस हुई? कुछ नहीं। 12 बजे तक आपने उपवास किया, ऐसा लगा कि शुगर है, कुछ चक्कर आएगी, ऐसा कुछ हुआ? कुछ महसूस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब पूरी श्रद्धा से आपने किया तो आपको उसका रिजल्ट अनुभव पॉजिटिव है। कभी भी कंटिन्यू चालू रखता हूँ। मेरे दोस्तों को सबको यार बोलते यार क्या है तू बहुत दुबला पतला हो गया, मतलब क्या करो यार ऐसे ऐसे चालू किया, बहुत वजन था वजन कम कर लिया, कैसे किया वैसे कुछ भी पूछते,
तो फिर मैं बता तो मैं ऐसे जगह जाओ वो सब समझा के समझाएंगे, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, दुबला पतला दिखते हो पर अभी दुर्बल नहीं रहे हो। दुबला पतला दिखता हूँ लेकिन पूरा इफिशियंटली काम करता हूँ, एनर्जेटिक लग रहे हो। मेरा काम ये क्या है, मैं स्टोर में हूँ, उठाना ये करना कुछ भी सब करना पड़ता है, उसमें कहीं थकावट महसूस नहीं होती। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया आपका अनुभव है। और सबसे करना चाहिए क्या है, दवा गोली को पीछे रहे क्या, आदमी पैसे से भी आदमी बर्बाद हो जाता है, दिमाग समय भी जाता है, तकलीफ घर परिवार की मतलब प्रॉब्लम में रहता है। सही बात है, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और बीमारी भी बढ़ रही है। बीमारी भी और अपने पूरे घर परिवार परेशान रहे वो तो बहुत बड़ी मतलब तकलीफ है, घर के लोग भी कर कितना करेंगे, वो भी उनको भी लिमिट होता है। तो आप अभी कोई संदेश देना चाहते? संदेश में यही क्या, जो सर से कॉन्टेक्ट करिए और जो बताए उसके अनुसार दृढ़ निश्चय से चलेंगे तो पक्का फायदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिक से मैं किरण प्रकाश वाटारे, जय तुलसी राम।